हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनूप जैन है। मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर की तरह काम करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हम न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ रहे हैं बोडी प्लॉट का, उसका थर्ड। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए हैं। तो दोस्तों, आप इस लेसन को रेट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं एंड प्लीज दूसरों को रिकमेंड कीजिए। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, एक लास्ट स्लाइड में लिंक दी हुई है, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से डायरेक्टली। हेलो दोस्तों, तो हम देख रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन टू बोडी प्लॉट का थर्ड पार्ट। हमने सिंपल क्वेश्चन देखा जो लेसन वन में देखा, उसके बाद हमने देखा कि अगर क्वाड्रेटिक पोल्स आ जाएं तो क्या होगा, या नंबर ऑफ टू पोल्स थे जो ओरिजिन पे उसके बाद क्या होगा, कैसे हमें स्लोप डिसाइड करने, कैसे हमारा स्लोप चेंज होगा, हमने एक टेबल भी बनाई थी, उसके बाद कैसे पर्सनल इफेक्ट आएगा और टोटल ओवरऑल सिस्टम पे क्या आएगा, वो भी हमने देखा था। तो इस लेसन में हम देख रहे हैं कुछ और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो कि जो पुराने से बिल्कुल अलग है, कुछ नया टाइप का। आप दोस्तों, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, जब आप एक चीज़ कर रहे हैं जैसे मैंने आपको पिछला बताया, तो आप उसमें डिफरेंस देखिए कि लेसन वन और लेसन टू में क्या डिफरेंस था, हमने क्या अलग सीखा है, जिससे कि आपकी बॉडी प्लॉट में जो ग्रेव आपकी ग्रेव है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले आइए मेरे बारे में कुछ जान लेते हैं। मेरा नाम अनूप जैन है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। मैं टीच फॉर इंडिया में एज अ कैंपेन लीडर काम करता हूँ, जो कि अंडर प्रिविलेज किड्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। मैंने गेट 2016 में 1305 रैंक हासिल की है और मैं रेड पाइन सिग्नल में प्लेस्ड हूँ एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। मैं प्रेसिडेंट की तरह काम करता हूँ पीपल फॉर पीपल कमेटी, जो कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लब है, और यहाँ के टेक्निकल क्लब ट्रिपल एसोसिएशन में एज एन एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। मैंने अपनी भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में SBITS इंदौर से कम्प्लीट की है। तो आइए अब बढ़ते अपने कोर्स में आगे की तरफ, जिसका नाम है ट्रांसफर फंक्शन टू बोडी प्लॉट। ये हमारा लेसन नंबर 3 है। मैंने इसमें आपको पिछली बार बताया था जिसमें क्वाड्रेटिक पोल्स आए थे, या मैं उसके पहले मैंने आपको बताया था कि सिंपल थे। अब यहाँ पे इसमें दो पोल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर सिंगल पोल है ओरिजिन पे और नंबर ऑफ यहाँ पे मैंने जो दिए हैं पोल्स वो दो हैं और नंबर ऑफ जीरो है एक, तो टोटल नंबर ऑफ पोल हो गए 3 और टोटल नंबर ऑफ जीरो हो गया 1। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बट इनमें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाते हैं कि आपको जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होती है वो अच्छे से निकालनी होती है। अगर आपकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी में गलती कर देंगे तो आपके पूरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको K की एक ट्रिक बताई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके लिए। जो मैंने आपको मेथड पहले दो लेसन में बनाई है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए 1+S के फॉर्म में। 1+S के फॉर्म के लिए 0.2 कॉमन लीजिए, 0.5 कॉमन लीजिए, 0.1 कॉमन लीजिए, फिर जो बाहर सारी कॉन्स्टेंट वैल्यू बच रही वो कहलाएगा हमारा के। तो उसी के सिमिलर आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको शॉर्टकट बोल सकते हैं कि एस की जगह 0 पुट कर दीजिए, इस एस को छोड़ के, इस एस को नहीं आप छू सकते, बाकी सारे जो एस हैं उसको आप 0 पुट कर दीजिए, तो जो भी बचेगा वो हो जाएगा आपका के। तो ये हो गया आपका के, हो गया 10। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको मैंने बताया था कि 20 log 10। ओके, तो ये आपका अगर आप 0.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं तब की बता रहा हूँ, अगर आप 0.1 से स्टार्ट कर रहे हैं प्लॉट, 0.1 से स्टार्ट करेंगे तो अगर आप उस मेथड में जाएं, ये मेरी मेथड है कि 20 log 10 ±20 n, तो पोल में प्लस हो जाता है क्योंकि वहाँ से 0.1 से करेंगे 10^-1 आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जैसा कि आप पिछला देखेंगे तो उसमें मैंने कन्वेंशनल तरीके से समझाया, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ कि आप जब गेट वगैरह में अटेम्प्ट करेंगे तो इस तरीके से, तो डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट निकाल देंगे 20 log 10। 10 क्या है, ये कांस्टेंट गेन जो यहाँ निकाला है, और 20 क्या है, 20 n है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन कितना है, 1 है, ये इसकी बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 40 डिग्री। 40 डिग्री क्या हो गया दोस्तों, हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कब है, जहाँ से बॉडी प्लॉट स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने आपको टेबल की बात की थी, तो टेबल मतलब क्या है, हम ये देखेंगे कि एक फ्रिक्वेंसी से दूसरी फ्रिक्वेंसी पर ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपको पता है कि पोल क्या करता है, -20 dB पर डिके या -6 dB पर ऑक्टेव का स्लोप देता है, और जीरो क्या करता है, +20 dB पर डिके या +6 dB पर ऑक्टेव का स्लोप देता है। तो इस हिसाब से हम जब भी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आएंगी, इसमें कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपको निकालना है, तो आप उसकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये कितनी हुई कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, ये इसका ट्रिक है, क्योंकि अगर आप कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 0.2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगी। इसकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हुई दोस्तों 1/0.2, मतलब कितनी हो जाएगी, 5। यहाँ पे एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी मैंने 5 मेंशन की होगी, ये रही कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 5, ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 1/0.5 मतलब 2, और ये 10, तो आपकी होगी 2, 5 एंड 10, तो 2, 5 एंड 10 ये मेरी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होगी।
अब मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, ये एक्चुअली जीरो की जगह 0.1 लेते हैं जब हम बॉडी प्लॉट ड्रॉ करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने जब बॉडी प्लॉट ड्रॉ किया है यहाँ पे 0.1 लिया है, क्योंकि जीरो से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब जस्ट जीरो के जस्ट बाद से स्टार्ट करते हैं, तो 0.001 लेना हो, 0.1 लेना हो, जो भी आपको लेना हो सबसे वैल्यू मिल जाएगी, बट वो बॉडी प्लॉट इफेक्ट नहीं करेगी। बस जो ये इनिशियल वैल्यू है आपने जो यहाँ पे, अगर आप 0.1 के 0.001 लेते तो यहाँ और ऊपर से स्टार्ट होता पर एंड यहीं होता। तो आप ले सकते हैं कुछ भी आपके ऊपर है अगर उसने मेंशन नहीं किया है। तो अब मैं बोल रहा हूँ जीरो से जब टू तक जा रहा हूँ, टू पे हमारी फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी मिलेगी, उसके पहले तक तो हमें जो स्लोप होगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये वाला एस। तो ये वाले एस के कारण स्लोप कितना होगा, -20 dB पर डे। अब मुझे टू पे एक क्या मिला, टू पे मिला एक पोल, ये है टू, 0.5 वाला टू है तो इसको मिला टू। तो पोल क्या किया कि मेरा -20 dB/dK का स्लोप और ऐड कर दिया, तो टोटल क्या हो गया, -40 dB/dK। अभी तक मैं केवल 10YS था मेरा सिस्टम, अब हो गया 10YS प्लस 1/0.5S, क्योंकि ये पोल ने भी अपना इफेक्ट शुरू कर दिया है। अब मैं जब 5 पे पहुंचा, ये 5 तक पहुंचने का था, जैसे ही मैं 5 से बढ़ा तो अब मेरा जीरो मिल गया, मुझे जीरो मिला तो उसने क्या किया +20 dB/dK दिया। तो ओवरऑल सिस्टम कितना हो गया मेरा, -20 dB/dK बचा, और फिर ये इसमें 0.2 भी मिल गया। अब मैं और आगे बढ़ा, अब उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, कोई कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो 10 के बाद जो भी होगा वो जैसा जा रहा है उसी स्लोप से आएगा। तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिला, एक और पोल मिल गया, तो एक और पोल मिला तो उसने भी -20 dB/dK का दिया डिले। तो मेरा टोटल कितना हो गया, -40 dB/dK। तो इस हिसाब से मेरे ये हो गए डिले पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी के साथ साथ। तो इस हिसाब से हम ड्रॉ कर लेंगे, हमने इनिशियल निकाला था, इनिशियल मैग्नीट्यूड आया था हमारा 40 dB, यहाँ पे आपने देखा था क्या है 40 dB, हमारा इनिशियल मैग्नीट्यूड है कितना 40 dB। तो ये 40 dB हमने कर दिया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अगली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है 2, तो इसको इस तक पहुँचते पहुँचते ये कितना हो जाएगा। अब आपको मैंने ऑक्टेव और डिकेट का कॉन्सेप्ट बताए थे, तो 0.1 से 1 तक होता है एक डिके, तो -20 से जा रहा है तो 1 तक पहुँचा होगा, तो इसका बचा होगा 20, और 1 से 2 तक होता है ऑक्टेव, तो 6 dB और घटा होगा, क्योंकि 20 dB/dK मतलब 6 dB/ऑक्टेव, तो 14 dB बचा। ऐसे जब यहाँ से गया तो आप 2 से 5 तक गया है, तो आपको इसको यहाँ पे निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आप 2 से पहले 20 तक कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 से 20 तक, 40 से जा रहा है तो यहाँ पे 14 पे है तो -40 हो जाएगा, तो -26 dB बचेगा। तो -26 dB पर अगर आप 10 पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, उसमें और ऐड कर लीजिए कितना 12, और फिर एक और 5 पे आना है तो 12 और ऐड कर लीजिए, तो वैसे -2 dB हो जाएगा, और अब कितना हो जाएगा, -20 dB/dK से जा रहा है और एक ऑक्टेव जा रहा है, तो -6 dB और हो जाएगा, तो -8 dB। तो इस हिसाब से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये एक और क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे जो जीरो दिया है ओरिजिन पे, मैंने लेसन 2 में बताया था पोल ओरिजिन पे दिया था, यहाँ पे जीरो दिया है और बाकी सब सेम है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोल भी है और सब है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसको आप देख लीजिए। ये मैंने आपको बताया था के निकालने के लिए, या तो आप इसको आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। बाकी मेरी मेथड क्या थी, मैंने आपको क्या बताई थी कि सारे एस सिर्फ जो ओरिजिन पे उसको छोड़ के सारे एस 0 0 पुट कर दीजिए, तो आपके क्या हो जाएगा 40 × 4² / 1 × 8² × 20, ये हो गया, इससे आपका के आ गया 5। तो अब आपको कॉर्नर फ्रिक्वेंसी देखनी, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 4 है, ये 1/0.1 है तो 10 है, ये 8 है और ये √20 है, तो ये देखिए 4 है, 10 है, 8 है और √20 है। अब आपको निकालना है कि कहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड होगा, पहले आप इनिशियल निकाल लीजिए। इनिशियल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 20 log k, और 0.1 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 20 log k कितना हो जाएगा, 5 है, तो उसके हिसाब से आप कितना होगा, ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ये लिखा है यहाँ पे, ये टोटल कितना आ जाएगा, 38 dB आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेटर से ईजिली हो जाता है। अब इसमें मैं फिर से वही बता रहा हूँ आपको, मैंने टेबल इसलिए बनाई ताकि आपको समझ में आ जाए कि उस पर्टिकुलर टर्म्स का क्या इफेक्ट है और उसका सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एस स्क्वायर आया, तो एस स्क्वायर था पोल, पोल स्क्वायर था जीरोस, तो जीरोस क्या होता है 40 dB/dK का देता है, तो सिस्टम भी 40 dB जा रहा था। एस प्लस 4 का स्क्वायर, ये और दो जीरो ऐड हो गए, तो इन्होंने और 40 dB/dK का प्लस 40 dB का दिया, तो अब सिस्टम का हो गया टोटल 80 dB/dK पॉजिटिव, मतलब सिस्टम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब मेरे यहाँ पे दो पोल ऐड हुए, दो पोल ऐड हुए तो उन्होंने -40 दिया, तो टोटल कितना हो गया +40। दो और पोल ऐड हुए तो उन्होंने क्या किया, फिर -40 दिया, तो अब इसने जीरो बना दिया सिस्टम के स्लोप को। एक और पोल जैसे ही ऐड हुआ तो इसने -20 दिया और सिस्टम का ओवरऑल भी कितना हो गया, -20 dB हो गया। तो अब देखिए यहाँ से मैं 0.1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0.1 से स्टार्ट किया तो 4 तक जाते जाते मेरा कितना हो गया, ये 40 dB था,
जैसे ही 4 पे पहुंचा तो वहां से मेरा कितना हो गया 80 dB हो गया, ये 80 dB जा रहा है, 80 dB का। जैसे ही फिर आगे पहुंचा √20 वाले पे, √20 से मैं आगे बढ़ूंगा 40 dB हो जाएगा, 40 dB है। जैसे ही मैं फिर 8 वाले से आगे बढ़ूंगा तो 0 dB हो जाएगा, जैसे ही 10 वाले और इंक्लूड हो गए तो -20 dB। तो इस हिसाब से हमारे स्लोप सारे के सारे चेंज होते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे, एक तो मैंने आपको फ्रिक्वेंसी निकालना बताया कि ट्रिकी क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी आप गलत ना निकालें, जल्दबाजी में ना करें, इजीली देखें और फिर करें। और दूसरा मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक पोल है बट जीरो का है ओरिजिन पे। हमने लेसन 2 में देखा था कि जीरो कहाँ थे, जीरो क्वाड्रेटिक पोल थे और पोल ओरिजिन पे भी पोल ही थे, तो इस टाइप में कैसे होगा पोल प्लॉट, तो मैंने आपको बताया। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो बताया आपको बहुत क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। दोस्तों आप इस लेसन को रेट कर सकते हैं, प्लीज़ इसको रिव्यू कीजिए एंड दूसरों को रिकमेंड कीजिए। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे मैंने दी हुई है, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए लेसन की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये लेसन सुनने के लिए थैंक यू दोस्तों।